हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूजा साहब ब्लॉग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। और आज हम तीज का मतलब होता है ना, सब साफ सफाई वही कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए कैसे करते हैं, आप लोग भी करते होंगे तो कैसे करते नहीं जानते, पर आप देख लीजिए हम कैसे करते हैं। अभी सुबह ही, बहुत सुबह है, अभी 5:30 ही बज रहा है अभी, इसलिए जल्दी उठे क्योंकि मेरी बेटी उठने के पहले, क्योंकि किचन का काम में थोड़ा टाइम लग जाता है ना ये सब करने में। अभी देखिए सारा मतलब रात में बर्तन वर्तन धो लिए थे, ये सब डब्बा कुछ खाली भी किए हैं, कुछ रह गया है, अब सारा इसको धोना है हमको। अभी देखिए सारा खाली करके कुछ कुछ रखे हैं, अभी पूरा किचन गंदा भी हो गया है। इधर मेरी बेटी भी सोई है, इसीलिए सोच रहे जल्दी जल्दी सारा काम कर लेंगे। अभी सारा देखिए खाली कर दिए ये सब सारा सामान, अब खाली करके उसके बाद फिर हम सारा गैस उस भी धो लेंगे। इधर मौसम भी ठीक है अभी, मतलब शांति लग रहा है, सुबह सुबह भी 6 बज रहा है लगभग, इसीलिए हम देखिए पहले गैस उस मतलब ऊपर जो होता है ना सिलेंडर धो लिए हैं, गैस उस धो रहे हैं। सारा अच्छे से हम धो लेंगे पूरा। ये देखिए जल्दी जल्दी हम साफ सफाई अच्छे से कर लेंगे ना। ही देखिए पूरा गैस उस अच्छे से हम धो ले रहे हैं, क्योंकि ना ऐसे हम धोते रहते हैं लेकिन आज अच्छे से धो रहे हैं, ना खाना ना हमको तीज का, इसीलिए सारा चीज़ धो लेंगे। उसके बाद फिर हम तो किचन भी धोना है, फिर डब्बा ओब्बा नीचे भी सरफ वरफ से पूरा धोना है, मतलब आज काम अच्छा मतलब बढ़ जाएगा, आज काम रहेगा थोड़ा ज़्यादा। इधर तब तक हम देखें यहाँ पर भी कुछ कुछ डब्बा रखे थे पहले से, थोड़ा सा धो के वही से यहाँ पर रखे, बस उस सभी अनाज खाली भी कुछ कुछ किए थे। इधर सुबह सुबह तब तक हम इधर रूम वूम सरिया लिए हैं, झाड़ू वड़ू भी कर लिए हैं, से पोछा करेंगे तब तक इधर का रूम अच्छे से कर लेते हैं, झाड़ू भी कर लिए हैं अच्छे से रूम सरिया। बेटी मेरा बाहर बालकनी में भी सोई है, ठीक है ना, सुबह सुबह लाइट कट गया तो उसको बालकनी में ले गए थे। यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखे, उधर थोड़ा सा बारिश मतलब फुहारा आ रहा था, पता नहीं आ जाता इसलिए जा रहे सारा हम देखिए डब्बा होगा एकदम अच्छे से धो ले रहे हैं, धुल जाएगा। उसके बाद फिर हम ये आधा मतलब धुल गया, एक पानी और थोड़ा सा धोना है, ये सब लग लग के धोना पड़ता है, सिर्फ हम धोते रहते बराबर, लेकिन तो भी होता है ना किचन में थोड़ा सा हो जाता है गंदा थोड़ा ज़्यादा, मसाला वसाला भी रहता है तो ज़्यादा होता है। दाल उल चीनी उनी सब का डब्बा है, बहुत सारा एक्स्ट्रा भी डब्बा है, कुछ कुछ डब्बा रख भी देंगे जो जो ज़रूरत है, लेकिन सब ज़रूरत पड़ ही जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ सामान आ गया तो। देखिए सारा डब्बा हम धो के सूखने दे दिए थे अच्छे से, दोनों उल्टा पुलटा के सुखा ले रहे क्योंकि अभी धूप अच्छा आया हुआ है, मतलब धूप था लेकिन होता है डब्बा को सूखने में से हमको तो पोछना नहीं पड़ा, मतलब था पोछ के रखना, पहले हम सीधा करके इसको किए थे फिर उल्टा करके फैला दिए। देखिए सारा सूख गया, एक भी बूंद मतलब पानी नहीं है डब्बा में। अब सब जल्दी जल्दी उठा के रख लेंगे और सारा फिर इसमें भर के मतलब फिर रख देंगे किचन में, क्योंकि शाम फिर हो जाएगा, अभी नाश्ता उस्ता बनाया के फिर मतलब सोना भी है ना, इसलिए नाश्ता उस्ता बना के हम सो गए थे, डब्बा अच्छे से पहले सूख जाए उसके बाद फिर हम ये करेंगे भर लेंगे। देखिए गाइस अभी हम नहा के भी आ गए हैं, तो नहा के आने के बाद फिर हम नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता के लिए अभी पटल रखे हुए हैं, पटल पानी में पहले से कि अच्छे से मतलब साफ हो जाए, नहाने से पहले रख दिए थे। पटल और आलू का सब्जी बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे आज बिना लहसुन प्याज का बना रहे, क्योंकि मंडे को हमको टाइम नहीं मिलेगा, मेरे हस्बैंड रहेंगे भी घर में नहीं और उनको भी कुछ काम रहता तो चले जाएंगे, इसीलिए फिर हम आज ही कर लिए कि एक दिन पहले अच्छा होता कि कल भी बहुत काम रहेगा ना, मेहंदी वहंदी भी थोड़ा मन करेगा तो लगाएँ, कुछ कुछ ख़रीदारी भी करना है कल,
तो कल बाजार भी जा सकते, तो टाइम नहीं मिलेगा ये सब का, तो कल थकावट भी ज़्यादा हो जाता है, फिर परसों फास्टिंग भी है। तो जल्दी जल्दी नाश्ता में पूड़ी और सब्जी मतलब बना लेते हैं। देखिए अभी पूड़ी बेल रहे हैं अभी हम, जल्दी जल्दी नहा के आए क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 11 बज गया था। वो सारा धोना सुखाना डब्बा को इस सब में मतलब टाइम लग जाता है। घर का भी काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन नहाना धोना और काफ़ी काम हो जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गर्मी भी बहुत लगने लगा, किचन में काम करते हैं गर्मी रहती है, मौसम भी चेंज हो गया मतलब धूप हो गया पूरा, इसलिए गर्मी लगने लगा। अब जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेंगे क्योंकि सारा चीज़ धो धा के नया मतलब बर्तन वर्तन बना रहे बिना लहसुन के। जस्ट आलू पटल का सब्जी बनाया और पूड़ी बना लिए ना, संडे था तो सोचे कुछ बना लेते हैं। और मौसम अच्छा किया हुआ था तो यही सब, मौसम अच्छा करता तो कुछ कुछ खाने का मन करता है। अभी ये पहले अपने हस्बैंड को दे लेते बना के क्योंकि 11 बजने वाला है, 11 बज गया लगभग, इसलिए जल्दी जल्दी दे लेते, फिर उसके बाद फिर हम बना के खा लेंगे। अभी देखिए इसमें पूड़ी तो अभी छानना है, कढ़ाई अच्छा बढ़ा दो तीन छन जाएगा, लेकिन हम एक एक करके बना रहे हैं क्योंकि अच्छा से बनता फुला फुला बन जाता है। देखिए दो डालेंगे तो दोनों को फूलने में ये लगेगा, तेल थोड़ा और पड़ता लेकिन कमी डाले, फिर तेल इधर उधर रखना पड़ता है हमको कटोरी वटोरी में करके, फिर कढ़ाई में ऐसे रखेंगे ना कीड़ा उड़ा पड़ जाता है, इसीलिए हम तेल कम डालते तो थोड़ा सा तेल बचेगा। तो कोई भी डब्बा हम तो रख देंगे, लेकिन कढ़ाई बड़ा छोटा वाला कढ़ाई में लोहा वाला कढ़ाई में छाते हैं दिखना ही तेल में अच्छा हो जाता है। 250 ग्राम से ऊपर तेल दिया, लेकिन बन गया अच्छा, देखिए पूरी अच्छा खिला खिला बन गया। पूरी सब्जी पहले दे लेते हैं उनको क्योंकि टाइम हो रहा है, आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। इस देखिए कितना काम रहता है हाउस वाइफ को, कोई बोलेगा काम ही क्या रहता है घर पे, खाना बनाना खाना रहना बस, मतलब ये डायलॉग रहता है सबको, एक दिन कोई करके देखे तो पता चलता है। मतलब हम लेडीज लोग तो कर ही लेते हैं। अब देखिए सारा डब्बा जो रखे थे उठा के अब इसको हम सारा अंदर करके अब इसमें फिर सारा जो डब्बा खाली किया था सारा चीज़ हम अलग से भी मंगाया, जो होता है नमक हल्दी मिर्ची सब, पहले वाला थोड़ा सा यूज कम कर रहे हैं सब रख दिए हैं, कभी कुछ अलग चीज़ में यूज कर लेंगे, लेकिन अभी सब मतलब कुछ कुछ ख़त्म भी हो गया था, कुछ कुछ मंगा भी लिए, इसलिए सारा फिर नया चीज़ में हम भर रहे हैं। पहले वाला थोड़ा नमक उमक कुछ कुछ बच गया था, मसाला वसाला कुछ था तो उसको भी साइड हम कर दिए। धूप में बहुत काम करके भी कैसा हालत हो गया एकदम चेहरा का, ये सुबह से कर रहे कपड़ा बर्तन नाश्ता सब, अब ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर हम शाम को अच्छे से रेस्ट करेंगे। क्योंकि खाना वाना भी कुछ विशेष नहीं बनाना, थोड़ी सभी चावल दाल से बना लेंगे दोपहर में, फिर हो जाएगा। सारा डब्बा धो लिए, देखिए कितना साफ हो गया एकदम धोएं तो। देखिए मेरी बेटी यही एंगे ये तो आ हमको परेशान करती, कोई भी काम करो हाजिर हो जाएगी यहाँ बैठ के, धूप में ये भी परेशान होती मेरे साथ साथ, होता ना कि हम जितना थकते हैं ये भी थकेगी वैसे, ये भी डब्बा रखेगी, डब्बा धोने समय भी ये हाजिर हो जाएगी, कुछ भी काम करेंगे बस उसको आना, उसमें पापा के पास भी नहीं जाएगी, बस मेरे पीछे पीछे। देखिए हम गए ये भी पीछे से चल गई, फिर हम आएंगे फिर भी ये फिर वापस आएगी, देखिए इतना हंसी लगता है इसे, देखिए फिर वापस आ रही है। हमको इसका कभी कभी देखते कभी कभी खुद हम इसका वीडियो तो हमको खुद हंसी आता है। और फिर यहाँ भी आ जाएगी, झोला सम सामान निकालेगी ये भी निकालेगी, तो फिर डांट भी पड़ता है इसको। देखिए आ गए ना झोला सामान निकालने, मेरी बेटी इतना परेशान कर देती है, बस जहाँ काम करेंगे आना है इसको, जब ये सोई रहती है ना उसी समय, सुबह पता 5 बजे हम उठे हैं, उसके बाद जल्दी में 5 बजे उठते नहीं हम, मेरा लेट हो जाता 6-7 लगभग बज जाता है, क्योंकि रात में भी लेट से सोते हैं तो नींद भी पूरा नहीं होता मेरा।
सब सारा डब्बा में देखिए हम भर ले रहे हैं। थक के चेहरा तो पूरा खराब हो गया। अब कल हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केटिंग, कुछ कुछ सामान अब तीज के दिन ही जो रेडी होना होंगे थोड़ा मोड़ा। बाल में भी मेहंदी वेहंदी लगाना था पर नहीं लगा पाए, लाए हैं पर लगा नहीं पाए। अभी सर्दी के नमक उमक कुछ नया मंगा लिए तो टाटा नमक ही हम लोग यूज़ करते हैं। अभी फिर अभी सारा देखिए सारा डब्बा वब्बा रखे सारा भर लेंगे, उसके बाद किचन में सजा देंगे। जो जो तीज करते हैं आप लोग जानते हैं कितना काम होता है। अकेले में ज़्यादा काम हो जाता है, अकेले में हो जाता है लेकिन मेरी बेटी की वजह से हमको बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी अभी थोड़ा देर गई है उधर, कुछ कुछ डब्बा लेके चली गई है। अभी हम डब्बा लाना पड़ेगा, कम से कम मतलब सारा डब्बा उधर जा जा के रख रही है। अगर कुछ बोलेंगे ना तो पटक मतलब होता ना गिर के माथा तो पटकने लगेगी, तो कुछ बोल भी नहीं सकते उसको। ये देखिए गोलकी है, गोलकी इसमें भर ले, सारा सामान हम मंगा लेते। कुछ कुछ रह भी गया है, बाद में आ जाएगा जरूरत पड़ता तब तो मंगाते हैं। ऐसे ज़्यादा सामान में कीड़ा बहुत लगता है, चींटी चींटी जो है ना इतना ज़्यादा चींटी लग रहा है कोई भी चीज़ में, मतलब रखिए समय घुस जाता है। मीठा नमकीन दाल उल सब में चींटी एकदम ख़राब कर देता है। दाल उल भी ना होता ना कि उससे एकदम बुरादा जैसा एकदम छूटने लगता है, लगता है ना कि उसका पाउडर बन गया उसी में। इसमें थोड़ा सा जीरा भरेंगे, जीरा दो तीन दिन पहले ही मंगाया था लेकिन इनके पापा भी फिर से जीरा ले आए तो सारा हम भर लेते हैं। उसमें डब्बा पहले से ही धोए थे उसी को उसमें ही रख दे रहे, सारा रखा जाएगा अच्छे से। उसके बाद आज मेरा काम ख़त्म, कल थोड़ा सा रेस्ट है, कल थोड़ा सा शॉपिंग भी करना, तीज का सामान मंगाना। गाइस कल मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, कल क्या क्या आप शॉपिंग किए आप लोग को हम दिखाएंगे। देखिए गाइस सारा डब्बा मतलब सारा सामान भर के रेडी कर लिए हैं, इधर दाल उल भी रखे हैं और उधर कुछ कुछ सामान। अब आते हैं किचन में, सारा किचन में देखिए सर कितना अच्छा हो गया अभी किचन का हाल, सुबह तो एकदम ख़राब हो गया था। उधर कुछ कुछ डब्बा खाली भी है, कुछ कुछ सामान आएगा जैसे जैसे जरूरत है तो भर ले। कुछ कुछ डब्बा नीचे भी रखे, बड़ा बड़ा डब्बा जो होता है ना उसमें भी सामान है। बर्तन तो इसे गया लिए, गैस उस बच्चे से धो धा के पोछ उछ लिए। ठीक है गाइस मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए।